पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बरता की पूरे देश में आलोचना हो रही है। तमाम छात्र संगठनों से लेकर सोशल एक्टिविस्ट इस घटना की निंदा कर रहे हैं। डीबीयू के छात्र अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच 14 सितंबर की सुबह लगभग 9 बजे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कई कश्मीरी छात्रों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया था। एक छात्र का आरोप है कि पुलिस द्वारा कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ को घबराहट के दौरे पड़े जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्राओं ने कहा हम मुसलमान हैं, हमारे हिजाब को जबरन खींचकर फाड़ा गया। इस तरह से आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। ये वही पुलिस है जहां पर आम आदमी की सरकार है। जो आम आदमी स्टूडेंट और 24 घंटे विकास और लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, उसी आम आदमी पार्टी के शासन में ये सब छात्रों के साथ हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय ने लगभग 17 कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं जो भिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे थे, सरदार लाल सिंह कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया। जबकि डीबी पंजाब से संबद्ध होने के बावजूद इस संस्थान को भारतीय नर्सिंग काउंसिल से मान्यता नहीं है। इसी मामले को लेकर छात्र धरना दे रहे थे। फिलहाल डीबीयू के अधिकारी ने अगली सूचना तक विश्वविद्यालय को बंद करने की घोषणा की है तथा इस मामले को पुलिस और प्रशासन को सौंप दिया है। जी, हम देशभक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हमें डिग्री का इश्यू था तो हम बस अपने डिग्री के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमें जो डिग्री मिले वो INC अप्रूव्ड हो। कुछ दिनों से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें जो मेल पुलिस है उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, हमें मारा। आप देख सकते हैं, ये मुझे SP ने यहाँ पे मारा है, मुझे पैर में भी मुझे लगी है और इसको डंडा मारा है, इसकी सिर पे डंडा मारा है DSP मैम ने खुद। और DSP मैम ने बोला उनको कि इनके कपड़े फाड़ दो। DSP मैम एक लड़की होते हुए उन्होंने बोला है कि इनके कपड़े फाड़ दो। हमारे हिजाब से, हाँ, इनके हिजाब के साथ खेला गया यहाँ पे और इनके साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया गया इनके साथ। और हमारे पर लाठी से लाठीचार्ज भी किया। जो मारने वाली पुलिस थी वो पंजाब की मेल थी, मेल पुलिस चीज हमारी फैकल्टी थी, फैकल्टी भी मेल थी। उन लोगों ने भी हमें बहुत मारा, उन्होंने बहुत लोग मारा। एक लड़के का यहाँ पता चला है कि सिर फट गया है, उसका क्या नाम है? वो हमारा क्लासमेट है, उनका नाम साकिर है। उनके सिर पे किसी ने डंडा मारा है, वो भी पुलिस ने डंडा मारा है। तो अभी उनको बहुत सारे स्टिचेस आए, 15 स्टिचेस के आसपास अभी वो एडमिट ही है। सीरियसली अगर बोला जाए तो सीरियस, क्योंकि सिर पे उनको चोट आई है तो उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो वीडियो हमारे पास है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। वो कल आप किससे मिलकर आए थे? कल हम मिलने गए थे हेल्थ मिनिस्टर से, हम कल मिलने गए थे, लेकिन आज यहाँ पे हमारे साथ यही हुआ। तो हाँ, हम आप पंजाब की आवाम से क्या कहना? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो पंजाब है पंजाब को भी दबाया गया है और कश्मीर को भी दबाया गया है। पंजाब और कश्मीर का आपस में रिश्ता है, दोनों को दबाया गया है। इस वक्त हम पंजाब में है तो हम पंजाब के लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा सपोर्ट करो, हमारी मदद करो। इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं, हमारे साथ क्या करे? जिन्होंने हमारे कपड़े फाड़े वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सर, जो देशभक्त की वाइस चांसलर TK मैम है सर, उसने एक लड़की का गला दबाया और मुझे यहाँ पे डंडा मारा सर। तो अभी जो डिग्री वाला मामला था उस पर मैटर क्या है? असलियत में वो पता चला है कि यहाँ 100 सीट थी और उन्होंने 200 के करीब बच्चे रखे हैं, ऐसा पहले भी मामला हुआ था क्या? यस सर, इससे पहले भी यहाँ पे स्टूडेंट्स डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इसके बारे में जो पूरा सिचुएशन हुआ है, बहुत तरह की वीडियोस आई है फौरी तौर पे। एक मिनट जी, मैं कोई फौरी तौर पे नहीं बोलूंगी गल, असी जायजा करके एदा सारा रिटर्न दे विच लेके असी पूरी चीज दा रिटर्न में नहीं। देखो मेरी बात टेक्निकल गल है, रिटर्न दे विच कंप्लेंट दे नाल हमारे साथ अगर इंसान नहीं होगा, मैम आप तो खुद साइड कर रहे हैं उनको, मैम आप तो खुद साइड कर रहे हैं।
बैठिए।